क्लास के बच्चे अगली वीडियो में देखिए, आपको बहुपद में भाग देकर शेषफल ज्ञात करने हैं। तो आपने बहुपद रखा है एक्स क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। तो यहाँ पर शेषफल बताना है आपको x प्लस 1 से और x बराबर x माइनस के 2 से। तो देखिए बहुपद रखा आपका एक्स क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1। तो यहाँ पर हमें वैल्यू शेष को बताना है आपको x प्लस के 1 बराबर 0 और x बराबर आपका आएगा माइनस के 1। अब x बराबर माइनस के 1 बहुपद में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे आप x क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। तो x बराबर माइनस के 1 का पावर 3 प्लस के 3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 1 और प्लस के 1। माइनस 1 का क्यूब माइनस के 1 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 3 प्लस के 1। माइनस के 1 प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस के 1 दोनों कट जाएंगे 0, यानी शून्य आ रहा है। तो x माइनस के 1 बहुपद x क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1 का शेषफल शून्य है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू आपके लिए रखिए इसमें x माइनस के 1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2। तो बहुपद में मान रखने पर x क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1, मान रखने पर रखेंगे 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस के 3 1/2 प्लस के 1। तो यहाँ से जाएगा 1/8 प्लस के 3 1/4 प्लस के 3/2 प्लस के 1। 1/8 प्लस के 3/4 प्लस के 3/2 प्लस के 1। स्केल से मिलो, स्केल से मिलना है आपको 8 8 1 8, 4 2 8 3 2 6, 2 4 8, 4 3 12 और प्लस के 8 1 8। तो ये कितना आ रहा है आपका जोड़कर इसमें 20 और 26 27 8 ये आ रहा है इसका शेषफल।